आप सभी को पता है चंद्रयान मिशन 3 जुलाई 14 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ और 23 अगस्त को सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर हुई। चंद्रमा 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी वो है डॉक्टर रितु करिधान। आखिर कौन है ये महिला, आइए जानते हैं। सन 1975 में लखनऊ के मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। रितु करिधान की नवयुग कन्या महाविद्यालय से स्कूलिंग हुई थी और लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमएससी की डिग्री ली। बचपन से ही उन्हें अंतरिक्ष और विज्ञान में काफ़ी दिलचस्पी थी, तो ऐसे में बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में उन्होंने प्रवेश लिया और फिर साल 1997 में इसरो में नौकरी करने लगे। इसके बाद कई उपलब्धियां हासिल की और 2007 में उन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला। काफ़ी कम उम्र में ही अनेक उपलब्धियां हासिल करके वो एक बड़ी साइंटिस्ट बन गई। इसके बाद देश के तमाम बड़े अंतरिक्ष मिशनों में उनकी अहम भूमिका रही, इसीलिए उन्हें भारत की रॉकेट वूमेन भी कहा जाता है। रितु करिधान चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर थी। उनके अनुभव को देखते हुए 2020 में ही इसरो ने ये तय कर दिया था कि चंद्रयान 3 का मिशन भी डॉक्टर रितु के हाथों में होगा और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, जिसका परिणाम आज पूरे भारत को देखने को मिला और हमारा सर गर्व से ऊंचा हो उठा। कहते हैं हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह इस मिशन के पीछे भी 54 महिलाओं का हाथ था और जिसकी कमांड डॉक्टर रितु के कंधों पर थी। तो आशा है कि इसी तरह हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।